हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष, हुआवे दक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि स्मार्ट डिसीजंस कैसे लिया जाता है, स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए आपको थिंक करना पड़ता, तो आइए उस चीज़ को हम और अच्छे से जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ठीक है? तो थिंक का मतलब स्मार्ट डिसीजंस शुड बी मेड आफ्टर अ केयरफुल थॉट्स। जब आप केयरफुल थॉट्स रखोगे, मतलब बहुत ही साफ, नीट एंड क्लीन थॉट्स रखोगे, तभी आप स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हो। नोइंग अबाउट वंस वैल्यू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब सोचने का मतलब ये होता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल के इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो आपका स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो कितना वैल्यू रखता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। नोइंग वॉट यू रियली आर एंड वॉट यू रियली वॉन्ट फ्रॉम लाइफ कैन हेल्प इन मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस इन लाइफ, ठीक है? जानना कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, ठीक है? जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप स्मार्ट डिसीजंस नहीं कर सकते हो। कंसल्ट, ठीक है? बिफोर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंसल्ट और टेक एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट और एन एल्डरली पर्सन होम यू ट्रस्ट, ठीक है? तो स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए आप कंसल्ट करो, ठीक है? सोच तो लिया, सोचने के बाद आप कंसल्ट करो कि मैंने ये डिसीजन लिया है, क्या ये सही है या नहीं है। आप ये डिसीजन उस इंसान से लो जो बहुत ही एक्सपर्ट हो, बहुत ही आपसे तजुर्बे में अच्छा हो, ज़्यादा हो, ठीक है? या आप जिस पे ट्रस्ट करते हो। एक्सप्लोर योर ऑप्शन, डू नॉट मेक स्नैप जजमेंट, ठीक? कहने का मतलब है कि आप छोटा तुरंत फैसला ना लो, ठीक है? आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को रखो और ज़्यादा सोचो, तुरंत जजमेंट आप नहीं दो। ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू एंड वे देयर प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा था कि अल्टरनेटिव्स आप ढूंढो, इतने जल्दी आप जजमेंट ना दो। और जब आपने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिया है तो उसको ये भी ढूंढो कि उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, मतलब कि वो अच्छा है या बुरा है, मतलब उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। मेक अ डिसीजन, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन एंड देन एक्ट अपन। डिसीजन लेने का मतलब ये होता है कि आप द बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करो, फिर उसके बाद उस पर काम करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी ऑप्शन आपने ले लिया है तो उसके ऊपर काम करो, नहीं। द बेस्ट ऑप्शन वही होता है जो सबके लिए सुटेबल हो, अच्छा हो, जिससे किसी को एतराज़ ना हो। बट ट्राई टू इवेल्युएट इफ द डिसीजन मेड इज वर्किंग और नॉट, ठीक है? अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आप उसको इवेल्युएट करो कि ये जो डिसीजन है काम करेगा या नहीं करेगा, इसीलिए द बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है? तो द स्किल नीड टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए कुछ स्किल्स की यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो उस बारे में आइए जानते हैं। एक्टिव लिसनिंग, ठीक है? लिसन टू व्हाट द पर्सन इज सेइंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप सुनो कि कोई इंसान क्या कह रहा है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोलोगे नहीं, जवाब नहीं दोगे। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले आप एक्टिव लिसनर बनो। एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज फीलिंग। एम्पैथी का मतलब होता है कि भावनाओं को समझना, लोग दूसरे इंसान की फीलिंग क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, वो समझो। नेगोशिएशन, टू गिव एंड टेक व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। नेगोशिएशन मतलब का होता है कि नेगोशिएट करना, कैसे कि मतलब कि आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए वो करूँगा। जैसे कहते हो ना आपकी, तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हारा वो काम कर दूँगा, तो इसको नेगोशिएशन बोलते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स, नो द लिमिट्स। जब भी आप चीज़ समझ लिए हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ की कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा आप जाओगे तो वो चीज़ हमेशा ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करो कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए। सपोर्ट फॉर द डिसीजन, वंस द डिसीजन इज मेड अदर्स शुड कम्प्लाई, ठीक है? जब आपने डिसीजन ले लिया है तो उससे सारे लोग सेटिस्फाई होने चाहिए, सारे सबको डिसीजन आपका अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, आइए जानते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है? द प्रॉब्लम मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली सो एज टू फाइंड अ रिलेवेंट सॉल्यूशन, ठीक है? डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कि बड़े अच्छे से समझो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जब आप समस्या को नहीं समझोगे तो आप समाधान कभी नहीं दे सकते हो, तो इसलिए आप कोशिश करो कि जो भी समस्या है उसको बड़े अच्छे से समझा जाए कि इसको समाधान कैसे दे सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, डिफरेंट आइडियाज शुड बी एक्सप्लोर्ड
सो एज टू मेक अ स्मार्ट डिसीजन, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अलग अलग आइडिया, अलग अलग तरीके को एक्सप्लोर करो, ढूंढो, खोजो कि अलग तरीका क्या हो सकता है जिससे हम स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। कंसीडर द कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच सॉल्यूशंस, द कंसिक्वेंसेस और द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच पॉसिबल सॉल्यूशन शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। जब भी आप कोई डिसीजन लो तो उसको प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये आप सोचो। बिना ये सोचे आप कोई भी जो सॉल्यूशन ना दो, ठीक है। सिलेक्टिंग ए सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच सीम टू बी बेस्ट शुड बी पुट टू इन एक्शन, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने बताया ना द बेस्ट ऑप्शन आपको हमेशा चूज़ करना चाहिए। तो बात यहाँ पे यही आ रही कि सॉल्यूशन ऐसा चूज़ करो जो कि इम्पैक्ट करे, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम ना हो उससे। इवेल्यूएटिंग द डिसीजन, द डिसीजन मेड शुड बी इवेल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ विल इट सॉल्व द डिफाइंड प्रॉब्लम। इवेल्यूएटिंग इसका मतलब है कि जो भी डिफाइंड प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से उसका समाधान दे रहे हो। सिलेक्टिंग द सेकेंड ऑप्शन, इफ़ द फर्स्ट चॉइस इज नॉट रिजल्ट इन द डिजायर्ड आउटकम देन सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन। कहने का मतलब यही होता है कि अगर आपका पहला जो जवाब है या पहला सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाओ, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन के ऊपर हम कभी भी नहीं रुकना है, आपको मल्टीपल सोचना है, मल्टीपल सॉल्यूशंस देना है, तभी आप एक अच्छा सा स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। हालांकि ये क्लासेस तो मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में बता दिया है, फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि आपकी जो पढ़े होंगे तो आपको रिकलेक्ट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, नेचुरल ऑकरेंस है, हर दिन होता है, हर रोज़ होता है, हर किसी से होता है, ठीक है। इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज एंड शेयरिंग थॉट्स, फीलिंग एंड आइडियाज़ थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैसेज ट्रांसमिट करना, थॉट्स को शेयर करना, फीलिंग्स को शेयर करना, आइडिया को शेयर करना, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल तरीके से हो, ठीक है। बाय स्क्रीमिंग, येलिंग, थ्रोइंग फिट्स, कॉलिंग नेम्स एंड शोइंग लिटिल रिस्पेक्ट, वन मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आप चिल्ला के बात कर रहे हो, गुस्से में हो, जोर जोर से किसी को नाम बुला रहे हो, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या है, इससे सिचुएशन बुरी हो सकती है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप प्यार से करो, अच्छे से करो और रिस्पेक्टफुल वे में करो। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कीप इन माइंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्लैरिटी एंड स्पीच, स्पीड ऑफ स्पीच, जब आप कुछ बोल रहे हो तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आपका मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे सामने वाला समझ सके। टोन एंड पिच ऑफ वॉइस, जब आप बोल रहे हो तो आपकी टोन और पिच ऑफ वॉइस दोनों क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ना बोलो कि वर्ड्स क्लियर ना हो, ठीक है। आप इतना शाउट, इतना तेज़ भी ना बोलो कि आपका जो वॉइस है वो तेज़ हो, ऑकवर्ड लगे सुनने में, बुरा लगे सुनने में, ऐसा नहीं। आपका टोन बहुत अच्छा होना चाहिए, पिच भी बहुत अच्छी होना चाहिए और आपकी जो बोलने का तरीका है, साउंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का कलेक्शन बहुत ही, चॉइस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो ना तो वहाँ पर वर्ड्स से ही बात करते हो आप, और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वर्ड्स यूज़ करते हो। अगर आप अच्छा वर्ड्स यूज़ करोगे तो सामने वाला अच्छा से आपसे बात करेगा, उसको लगेगा कि आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर हो, आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो। कीपिंग द मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल, जो भी आप मैसेज किसी को दे रहे हो उसको एकदम शॉर्ट रखो और सिंपल रखो, कि मतलब थोड़े कहो और वो इंसान समझ ले। गेट अ फीडबैक, ठीक है, आपको फीडबैक लेना है कि मैंने किस तरीके, जब आप किसी से बात करोगे ना तो वो फीडबैक मिल ही जाता है कि आपने उससे अच्छे से बात किया या बुरे से बात किया। बिल्ड अ गुड वोकैबुलरी, ठीक है, आप वोकैबुलरी कहने का मतलब डिक्शनरी आप बनाओ, ठीक है। जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं, नए नए वर्ड्स सीखो, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज के हो, आप नए नए वर्ड्स सीखो, सिंपल और अच्छे वर्ड्स सीखो, जो कि बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन डालते हों बात करते वक्त, ठीक है। तो आप वर्ड्स को सीखो, इम्प्रूव करो अपनी वोकैबुलरी। लर्न टू लिसन, ठीक है, कैसे सुनना है इस बारे में हम आगे बात करेंगे,
तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।